फ्रेंड सब्सक्राइब कर लो, अगर सब्सक्राइब नहीं करोगे तो नतीजा तो आप जानते ही होंगे क्या होगा, कि वो मोटी आकर आपको चाय पिलाने लगेगी। तो वैसे काम की बात पर आते हैं, कोई मीम्स पर नहीं, तो चलिए शुरू करते हैं। कौन रुकता है, तो आज का वीडियो टाइटल तो बताना पड़ेगा, आखिर यूट्यूबर है हम। आज का वीडियो टाइटल ये है कि क्या शाहरुख खान मतलब SR के क्या खरीदने वाले हैं एंड्रे रसेल 2019 सीजन ऑफ CPL में। तो देखा जाए तो पहले ही मैच TKR और जमाइका तलावस मतलब दोनों के लिए पहला मैच था, उसमें ही एंड्रे रसेल ने 121 नॉट आउट और 49 बॉल्स में अपने जड़ दिया था और शतक बहुत ही अच्छे से, और हैट्रिक भी ली थी जिसमें ब्रेंडन मैकलम, डारेन ब्रावो एंड सुनील नारायण भी शामिल थे। और पहले ही विकेट गिरती हुई SRK ने ताली बजाई थी, उसके बाद बहुत ही निराश हो गए थे। तो मैन तो वो एक इंटरव्यू में बोले थे, मतलब जो मैच ख़त्म होने के बाद ओनर के बीच इंटरव्यू होता है, उसमें बोले थे कि आई विल ट्राई टू बाय एंड्रे रसेल। वैसे भी वो कोलकाता नाइट राइडर्स के लिए एंड्रे रसेल को खरीदे थे, लेकिन TKR के लिए नहीं, क्योंकि उनको थोड़े मनी के प्रॉब्लम हो गए थे और वो कुछ नए ट्राई करना चाहते थे। लेकिन ये मतलब ये सोची हुई बात उनके ऊपर भारी पड़ गई। पहले ही मैच TKR जब खेली जमाइका तलावाज से, तो मतलब ब्रावो बहुत ही निराश होकर गिर पड़े थे, जब आखिरी गेंद में रसेल ने मार दिया था छक्का, वो निराश हो गए और उनसे कैच ड्रॉप हो गया था, इसलिए और भी निराश हो गए। एक इंटरव्यू किया गया था सेंट लुसिया स्टार्स के मतलब साथ खेलने के बाद, डारेन ब्रावो ने 94 रन जड़ दिए थे 36 गेंदों में, मतलब 36 गेंदों में। उसके बाद उन्हें पूछा गया जूही चावला को कि आप क्या रसेल को खरीदेंगे, तो जूही चावला ने जवाब दिया था कि हम अभी दूसरे सीजन के लिए नहीं, इस सीजन के लिए तैयारी कर रहे हैं, लेकिन एंड्रे रसेल उनके लिए फिट है और हमारे लिए डारेन ब्रावो फिट है CPL के लिए, देखते हैं फ्यूचर क्या होगा। तो कुछ ऐसा जवाब दिया था उन जूही चावला ने। तो वैसे एक लॉजिक था कि मतलब एंड्रे रसेल KKR के लिए डारेन ब्रावो को छक्के मारते थे, अभी एंड्रे रसेल TKR को हराने के लिए छक्के मारे ड्वेन ब्रावो की गेंद में। तो CSK के मैच में तो आप जानते ही होंगे 88 किया था 36 गेंदों में, टॉम करन की वजह से उनको अगर दो गेंदें मिल जाती तो शायद वो अपना अर्धशतक कर देते 38 गेंदों में। उन्होंने ब्रावो को बहुत धोया था उस मैच में वो KKR को जिताने के लिए, लेकिन यहाँ TKR को हराने के लिए चक्के पड़ गए। तो ब्रावो दो बार पिटाई खा चुके हैं ड्री रस के सामने। तो रसेल बने थे उस दिन के मैन ऑफ द मैच, उनसे पूछा गया कि मतलब उसके बाद वाला इंटरव्यू में बोले कि आई मतलब उनको अच्छा लगता है वेस्ट इंडीज़ के बॉल में हिट करने के लिए, और वो बोले थे कि उनके ब्रावो करने में उनको बहुत ही मज़ा आता है। तो अभी ब्रावो ने भी अपने रणनीति में बताया था कि वो सुनील नारायण से कराएंगे गेंदबाजी, क्योंकि वो उनके टीम मेट है, जब आएंगे जब एंड्रे रसेल आउट हो जाएंगे तो अपनी गेंदबाजी फिर से शुरू करेंगे, नहीं तो क्रिस लिन से गेंदबाजी कराएंगे। माना जाता है कि क्रिस लिन एक गेंदबाज नहीं बल्कि बल्लेबाज है, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी गेंदबाज के हैं। उनके फर्स्ट क्लास क्रिकेट में उन्होंने 648 मैचेस खेले, उनमें 884 विकेट्स निकाले थे, ये कोई गेंदबाज से कम है क्या? तो इसलिए ड्वेन ब्रावो ने कहा था। और TKR जो भी प्लेयर्स को खरीदते हैं उनके स्टैंडर्ड और उनके मैचेस के हिसाब से, विकेट्स और रन्स के हिसाब से ही प्लेयर को परचेस करती है,
इसलिए तो उन्होंने 2018 में कुछ नया करना चाहा और गौती को कैप्टेंसी से निकाल दिया। तो एक इंटरव्यू में फिर से पूछा गया था कि मतलब ये क्वेश्चन 3-4 बार पूछा गया है SRK को कि आप क्या ड्वेन ब्रावो को कैप्टन रखना चाहते हैं CPL में, क्या रखना चाहते हैं। ये जवाब देखे ज़रूर, क्योंकि उनकी कैप्टनशिप से 2017 CPL का लीग जीता था उनकी कैप्टनशिप से TKR, तो ये भी जवाब था। और वो भी और उनके साइड में ऐसा के बोले कि अगर नहीं भी जिताते कुछ नहीं होता, हमें ट्रॉफी से मतलब नहीं, हमें अपने लीग्स और मैचेस में कितने रन्स और प्लेयर ड्यूरेबिलिटी कितने अच्छी कर रहा है, जितने भी मैचेस खेल रहा है उससे मतलब है। तो ये जवाब था SRK और जूही चावला को। और आज के समाचार ख़त्म। वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कर कीजिए। और मैं फिर से बोल देना चाहता हूँ, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाइए। लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के वीडियोस तो नहीं, लेकिन लेटेस्ट क्रिकेट न्यूज़ के वीडियोस ज़रूर आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आज के समाचार यहीं पर ख़त्म होते हैं। बाय बाय।